नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर आप ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो आप नंबर नोट करें, इस नंबर पर आप कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है। यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाजार में आज किस तरह की हलचल हुई है। शुरुआत एग्री मार्केट से, ग्वार में 12.5 रुपये की मजबूती और ग्वारगम का भाव 19 रुपये ऊपर बंद हुआ है। तो एक भारी मुनाफा वसूली हायर लेवल से ग्वार सीड में और ग्वारगम में देखने को मिली है। ग्वारगम का भाव 9,000 के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई है और ग्वार सीड में भी। लेकिन चना वायदा जोरदार तेजी के साथ ट्रेड किया है और 4% के अपर सर्किट के साथ 4181 के स्तर पर बंद हुआ है, क्योंकि चने पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई गई है सितंबर तक के लिए। उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। सोयाबीन में 14 रुपये की नरमी, सोया तेल 5 रुपये नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और मस्टर्ड आज 12 रुपये गिरकर 4103 के स्तर पर बंद हुआ है। तो यह आप देख रहे हैं कि एग्री मार्केट में आज किस तरह की हलचल रही है। जीरा वायदा 175 रुपये ऊपर बंद हुआ है, टर्मरिक में 22 रुपये की तेजी और कोरिएंडर का भाव करीब 0.25% नीचे। लेते हैं कुछ और काउंटर की और नॉन एग्री सेगमेंट की। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 87 रुपये की मजबूती है, चांदी में 34 रुपये की बढ़त, लेकिन कच्चे तेल में जोरदार गिरावट है, करीब 2.25% नीचे है ये काउंटर। और अब बाजार 4800 के भी नीचे लुढ़क चुका है, जोरदार गिरावट। और आज मंडी लाइव के 11:30 के शो में हमने आपको बताया था, हमारे जानकारों ने आपको बताया था कि 4800 के नीचे कच्चे तेल का भाव आ सकता है। बाजार 4800 के नीचे आ चुका है। इसके अलावा बात करें अगर मेटल की तो कॉपर, जिंक, निकल इन तीनों काउंटर में गिरावट है, लेकिन कॉपर और निकल के मुकाबले जिंक की गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और करीब 3% ये लुढ़का है। ये गिरावट क्यों आई है और आगे क्या ये और गिर सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट में जो एक्शन है ये हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल मार्केट करीब 5 रुपये नीचे 173 के नीचे एमसीएक्स पर जिंक का बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं गोल्ड के स्पॉट प्राइस की। और गोल्ड के स्पॉट प्राइस की अगर बात करें तो अगर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये रेट आप नोट कर लें। 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज का है 30,180 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 27,782 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 22,748 रुपये। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और खबर ये है कि आज एडेबल और इंडस्ट्री को लेकर के 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं और तीनों अच्छी खबर है। पहली खबर यह है कि सोया मिल पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ाई गई है 3%, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा था। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जून में खाने के तेल का इम्पोर्ट 23% घटा है, तो इम्पोर्ट में गिरावट एक अच्छी बात है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर इंडोनेशियन पाम ऑयल बोर्ड से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करार किया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबर और ये 3 अच्छी खबर इंडस्ट्री के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ऑयल इंडस्ट्री के लिए आज की 3 महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सी के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी हैं, जकार्ता से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आप लोगों ने इंडोनेशियन पाम ऑयल बोर्ड से करार किया है कि किस तरह से पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाया जाए, और वहाँ पर तमाम सरकारी अधिकारी भी दोनों देशों के मौजूद थे, एम्बेसी के लोग मौजूद थे। अगर आप इस करार की बारीकियों को बता पाएँ कि ये क्या करार हुआ है और इससे भारत के ऑयल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए क्या है कि शुक्रिया मृत्युंजय जी। बेसिकली आज हम लोगों का जो ये करार हुआ है इंडोनेशियन गवर्नमेंट की सपोर्ट से यहाँ के पाम ऑयल बोर्ड के साथ, वो ये है कि हम लोग सस्टेनेबल पाम हिंदुस्तान में डेवलप करें और यहाँ से जो इंडोनेशिया में भी सस्टेनेबल पाम वो हो। दूसरा खास चीज जो ये है कि इंडोनेशियंस को लगता है कि हिंदुस्तानी जो हैं वो ड्यूटीज जो हैं अनाप शनाप लगाते रहे और उससे उन लोगों को तकलीफें होती है, बट कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हम लोगों के इंटरैक्शंस की कमी थी। तो हम लोगों का ये मानना है कि जैसे जैसे हम लोग इंडोनेशियंस की तकलीफों को समझेंगे वो हम लोगों की तकलीफों को समझेंगे। और ये बात तो फैक्ट है कि हिंदुस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना है, बट उसके साथ साथ ये भी है कि हम लोग अगर दोनों को इंटरेस्ट देखें, क्योंकि आज पाम ऑयल इंडोनेशिया के लिए भी बहुत अहम है और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। तो इट इज बेसिकली समथिंग कि अपना विन विन सिचुएशन रहे, कैसा रहे आने वाले दिनों में इंटरैक्शन बढ़ेगा। ओके, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल अतुल जी आपसे ये होगा कि जून में खाने के तेल का इंपोर्ट घटा है, इसमें 23% की कमी आई है। ये जो आप लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि इम्पोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। और ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि आप भी मानते हैं इस बात को, कि अच्छी खबर है, किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये जो इंपोर्ट में कमी आ रही है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी? हम लोगों का सी में जो मानना है कि इस साल हिंदुस्तान में जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रफली 7-8 लाख टन तेल का आयात बढ़ेगा, उसकी बजाय अब जो ये गवर्नमेंट ने सारी चीजें मानी हैं और इंडस्ट्री से गवर्नमेंट का इंटरेक्शन जो बढ़ा है, उससे हमारा ये मानना है, हम लोगों का ये मानना है कि कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हिंदुस्तान का आयात बढ़ने की बजाय 5-6 लाख टन कम हो। लास्ट से अगर अपने एडिबल ऑयल की बात करें तो लास्ट से 15 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इस साल अपने 14.5 मिलियन टन या उससे स्लाइटली कम अपना इंपोर्ट हो। बहुत अच्छी चीज है। और हिंदुस्तान के मतलब हम लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र ये हो रही थी कि हिंदुस्तान ने ग्रेजुअली अपनी जो एडिबल ऑयल सिक्योरिटी है वो खो दी थी। 70% अपनी बाहर पे डिपेंडेंस हो गई थी। तो ये आप कह रहे हैं कि आगे भी इम्पोर्ट यहाँ पर कम होने की संभावना बनी हुई है। उम्मीद इस बात की है कि आगे भी एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट कम रहेगा। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है ऑयल इंडस्ट्री के लिए वो ये कि सोया मिल पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ाई गई है, 3% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट अभी एक्शंस कर रही है वो पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ पिछले साल 1.5 साल के अंदर ये बड़ी प्रोएक्टिव डिसीजंस ले रही है। तो अभी जो सोयाबीन पे जो 3% का इजाफा किया है एक्सपोर्ट डीओसी के ऊपर, ये डेफिनेटली सोयाबीन के कल्टीवेशन और सोयाबीन की इनकम जो फार्मर्स को होती है उसमें डेफिनेटली इजाफा होगा। और दूसरा, आज आप देख रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड की जंग लगी हुई है, तो उसका फायदा मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि बहुत सालों बाद हिंदुस्तान से सोयाबीन मील हो सकता है चाइना भी जाए। ओके। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इससे अपने किसानों को भी फायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप अतुल चतुर्वेदी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तीनों खबर पर विस्तार से अपनी राय देने के लिए कि इसका क्या इम्पैक्ट भारतीय ऑयल इंडस्ट्री पर हो सकता है। तो 3 अच्छी खबर और उम्मीद इस बात की है कि आने वाले समय में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर होगा, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा जिस तरह से इंसेंटिव यहाँ पर बढ़ाई गई है। और जो बात अतुल चतुर्वेदी जी ने कही कि यहाँ पर चाइना को यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है, तो अगर ऐसा होगा तो घरेलू बाजार में सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। तो 3 बड़ी खबर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई है और गिरावट शुरुआती दौर के मुकाबले बढ़ गई है। हमारे साथ प्रथमेश मालिया हैं, एंजल कम्युनिटी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही ट्रस्ट लाइन के कम्युनिटी हेड राजीव कपूर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथमेश, ये जो गिरावट आई है क्रूड में करीब 2% की, क्या ये गिरावट आज शाम के कारोबार में और बढ़ने वाली है? हाँ मृत्युंजय, मेरे ख्याल से क्रूड में बाय के आसार दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। अगर मेरे ख्याल से उछाल भी आता है सामान्य सेशन में तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बेचना ही चाहिए। 4,820 या 830 मिले तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा भाव होगा जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा और आपका स्टॉप रहेगा 4,900 का। नीचे में आपको 100-120 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अभी और गिरावट की संभावना कच्चे तेल में बनी हुई है। ऐसे में राजीव कपूर, अगर 4780-85 के आसपास ट्रेड करना हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या राय होगी आपकी? मृत्युंजय, मैं प्रथमेश के साथ पूरी तरह एग्री हूँ और मुझे लगता है कि बाजार 4700 नहीं, इनफैक्ट 4600 भी टूट सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। तो मैं थोड़ा सा एडवाइस करूंगा 4810 पे अगर इंट्राडे ट्रेड करना है 4810 के आसपास बेचें। आज का हाई के थोड़ा सा ऊपर 4850 का स्टॉप लॉस रखें। पहला लक्ष्य हम 4750 और दूसरा 4700 देखते हैं और बाजार अगर 4700 के नीचे सस्टेन किया तो मैं समझता हूँ 4600 भी आ सकता है, जो कि पिछला एक अहम रेसिस्टेंस था जिसको बाजार ने जब ब्रेक किया और उसके बाद बाजार सीधा 5100 के स्तर तक गया था। तो मुझे लगता है बाजार उस स्तर को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। तो 4600 मुझे लग रहा है कि आने वाले 4-5 दिनों में टच कर सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि 4-5 कारोबारी सत्र में 4600 का स्तर भी कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर गिरावट की संभावना है, इस बात को लेकर दोनों जानकार सहमत हैं। अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजरिया गोल्ड के ऊपर आपका प्रथमेश क्या होगा, क्योंकि गोल्ड का भाव आज जो शुरुआत हुई थी मार्केट की वो बाजार ने तेजी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ हायर लेवल से। अब मार्केट फिर से एक बार तेजी के मूड में आता हुआ दिख रहा है। तो आज के लिए ओवरऑल क्या व्यू है आपका गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय, गोल्ड को भी बाय करना नहीं चाहिए बिकॉज आप देखोगे सारे ट्रेड टेंशंस में सारा जो इन्वेस्टेड मनी है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स येन। तो मेरे ख्याल से गोल्ड भी सेफ इवन एज ए एसेट नहीं अपील कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के सत्र में भी आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में दबाव ठीक है। मेरे ख्याल से एक बार के लिए 30,300 जो यहाँ से करीब 100 रुपए ऊपर है वहाँ पे बेचा जा सकता है और आपको 29,800 मतलब थोड़ा सा लंबा टारगेट है, बट आपको जो रुख है वो नीचे की तरफ कर सकता है। 30,000 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 29,800। ओके, चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। राम निवास है राजस्थान से, पूछिए राम निवास। वार है मेरे पास, अभी बारिश का मौसम है तो अभी क्या पोजीशन रहेगी? हाँ, ग्वार का ठीक है। अभी तो सर्किट पे सर्किट ऊपर का ही लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्वार का आउटलुक जानना चाहते हैं, क्या व्यू है आपका ग्वार के ऊपर राजीव? देखिए, जुलाई मंथ तो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक एक्सपायर होने वाला है, तो अक्टूबर मंथ में अभी हम 4200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है 4250-4300 मैक्सिमम अपसाइड मुझे अभी फिलहाल दिखता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ यहाँ पर, बट अगर 4050 और 4100 के बीच में कुछ मिलता है पोजिशनल बेस पे तो वहाँ बाइंग करना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आप देख रहे हैं और जो करंट मंथ में आज बड़ा एक्शन हमने देखा था राजीव, उसका क्या इंडिकेशन माना जाए? देखिए, आज साफ दिख रहा है कि ऊपर के स्तरों से काफ़ी भारी एक सेलिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है 4250-4300 अब अपसाइड कैप हो गया है, तो बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं करें। कल अगर एक ट्रेड लेना हो तो 4180-90 मिले, 4160 का एक स्टॉप लॉस रखें, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और जहां 50-60 रुपए मिले निकल जाए। और अगर पोजिशनल बेस पे बाय करना है तो 4050 के स्तर के आसपास बाइंग करें। चलिए, अगला सवाल भावना का है, बरेली से हमारे साथ जुड़ी है, पूछिए भावना जी। मेरा सवाल मेंथा फेयर, इसका आउटलुक जानना चाहते हैं हम। 1620 पे लिया आपने अगस्त लॉट, 1620 के भाव पर आपने मेंथा में बाय किया है? जी जी, अगस्त लॉट। ओके, तो इसे रोकना चाहिए या मतलब ठीक है, राजीव बताएंगे आपको। 1620 के स्तर पर इनकी मेंथा में बाइंग है। राजीव, इनके लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए, मैं जुलाई वाले को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैंने एडवाइस करूंगा कि अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1500 के नीचे चला जाए। नहीं नहीं, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट पे बताइए। अगस्त में ट्रैक नहीं कर रहा तो मुझे भाव भी, लेकिन इन्होंने ट्रेड तो अगस्त में किया है। आई नो, ये थोड़ा सा उसके साथ मैच कर लें भाव को, जो 30-40 रुपए का डिफरेंस होगा। तो अगर मई का कॉन्ट्रैक्ट 1500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे चलता है तब ये अपने अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में से भी निकल जाए, जब भी जो दाम हो। तो मैं एडवाइस करूंगा अभी बने रहे, ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग लगता है, अपसाइड ही है, बट एक करेक्शन आई है इसमें नीचे की। तो 1500 के आसपास मुझे लगता है करेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। सुनील जैन हैं भिंड से, पूछिए सुनील। तो चने पर हमारा सवाल है, चना क्या भविष्य के लिए क्या लेना चाहिए? हाँ, चने में क्या आगे और तेजी दिखेगी, क्या अभी खरीदना बेहतर होगा? क्योंकि जिस तरह से तेजी आई है, 4% आज ऊपर भाव बंद हुआ है 4200 के आसपास, तो क्या अभी बाइंग का मौका बना हुआ है या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? राजीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये शॉर्ट स्क्वीज हो गया और शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है मुझे चने में। हो सकता है बाजार और 4250-4300 तक भी चला जाए, बट इन लेवल्स पे बाइंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन लेवल पे बाइंग से बचें क्योंकि मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा रिस्की जोन है बाइंग के लिहाज से, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आज एक खबर कॉटन पर भी आई है, ये अच्छी खबर है एक्सचेंज की तरफ से कि एमसीएक्स पर जो कॉटन का डिपॉजिट है वो करीब करीब 300% बढ़ा है और एमसीएक्स पर जो कॉटन का स्टॉक है एमसीएक्स के वेयरहाउस में वो 5 साल में सबसे ज़्यादा स्टॉक है। क्या ऐसे में माना जाए कि कॉटन में भी ट्रेड की गुंजाइश बनी हुई है? राजीव कपूर, देखिए इसमें दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये निकलता है कि कॉटन पे जो फिजिकल में जो फंडिंग होती है वो लोग एक्सचेंज में रखकर, और फंडिंग भी हो सकती है इसमें फंडिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा हो क्योंकि कॉटन के दाम सस्टेन कर रहे हैं अब 22,000 के ऊपर, तो एक तो ये भी है और वो भी एक संकेत है कि बाजार जो है और अपसाइड जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉटन धीरे धीरे 24,000 साढ़े 24,000 के स्तर तक चला जाएगा, एक अच्छा संकेत है। कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स का बढ़ रहा है और डिपॉजिट अगर एक्सचेंज पर बढ़ता है तो वो एक संकेत होता है कि बाजार में पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वो एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। मुझे लगता है कि दाम थोड़े और यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, 22,500-400 एक अच्छे स्तर हैं खरीदारी के लिए। ठीक है, नितिन है अमरावती से, पूछिए नितिन। सर हमारे पास अभी, मैं किसान हूँ, हमारा सोयाबीन के आगे की पोजीशन क्या रहेंगी? हाँ, सोयाबीन का आगे का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? कई कदम उठाए गए हैं, सोयाबीन पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी बढ़ाई गई है, तो क्या आपको लगता है राजीव कि अभी सोयाबीन के दाम ऊपर ही बने रहेंगे? देखिए सी के चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि अगर ये ट्रेड वॉर थोड़ा और एस्केलेट होता है तो उस केस में चाइना का जो सोया मिल का जो बाइंग है वो शायद इंडिया की तरफ आए। अगर वो सब हो जाता है तो उसमें सोयाबीन को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो गिरावट है ये एक अच्छा मौका होगा खरीदने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसे 3200 साढ़े 3100 अच्छे स्तर होंगे खरीदने। ओके, प्रथमेश, जिंक में आज एक बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं, क्या मेटल के जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं वही इसकी वजह है या फिर जिंक के लिए कुछ अलग फंडामेंटल ऐड हुए हैं जिससे आज ये तेज गिरावट हम देख रहे हैं जिंक में? मृत्युंजय, जिंक में एलएमई में इन्वेंट्रीज कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ये एक कारण है जहां पे जिंक में गिरावट है। बट ये तो रीजन है ही जिंक के पीछे, उसके अलावा ट्रेड टेंशंस भी है जो जिंक को काफी गिरा रहे हैं। तो सेंटिमेंट वीक है, सेंटिमेंट काफी बेरिश है, इसी के लिए जिंक में ज्यादा गिरावट है। बट मेरे ख्याल से थम जाना चाहिए, बट अभी भी ट्रेंड जो है वो वीक ही है, तो यू कैनॉट से कि आज बाय कर ले या फिर इस पर्टिकुलर काउंटर में बाय की तरफ अपना रुख मोड़ ले। ट्रेंड जो नीचे की तरफ का है, जिंक में बाय ना करे, सेल साइड में शायद आपकी पोजिशन काफी फेवरेबल हो। नहीं, लेकिन किस लेवल पर सेल, क्या अभी 173.35 के स्तर पर बेचें जिंक? वैसे तो जिंक में अगर आप मुझे पूछे तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपको ट्रेड करना है तो कॉपर को ट्रेड करना चाहिए 422 के आसपास, और 427 का स्टॉप लॉस के नीचे में 413 के लिए वेट करना चाहिए। जिंक को मैं अवॉइड करूंगा। ओके, आप कह रहे हैं कि जिंक को अभी अवॉइड करना चाहिए। और एक बार चार्ट दिखाइए जिंक का कि देखें कि आज जो ओपनिंग हुई है मार्केट की उसके बाद से किस तरह से बाजार का मूव रहा है। और जिंक में अगर हम देखें तो बिल्कुल सही कहा यहाँ पर प्रथमेश ने, जो ये ट्रेड वार की चिंता है उसका इम्पैक्ट हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पर कम हो रही है और जिससे कीमतें लगातार दबाव में बनी हुई हैं। अगला सवाल रामकुमार का है औरैया से, पूछे रामकुमार जी, पूछे। तो 435 पर आपने लेड बाई किया है, कॉपर बाई किया है, और 162 पर लेड। आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही, लेकिन जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया हमारी टीम को तो उसके जरिए हमें जानकारी मिल रही कि 162 पर आपकी बाइंग है लेड में और 435 पर कॉपर में। प्रथमेश, क्या करना चाहिए इनको? 435 में कॉपर अगेन स्ट्रिक्ट नो आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। कॉपर में पॉसिबिलिटी अभी भी गिरावट है 413 तक के लिए, सो आपका रिस्क प्रोफाइल देखिए इस पर्टिकुलर पोजीशन में खड़े रहे। और आपने कहा लेड में 162 का अगर पोजीशन है 151 पे 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन इस पर्टिकुलर काउंटर में भी बाइंग के आसार नहीं दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर काउंटर में और भी प्रेशर दिख सकता है। हालांकि इंटरडे में आपको एक ₹2 ₹3 ऊपर आ जाए, बट अभी भी नीचे की तरफ 147 पॉसिबल इस काउंटर में दिखता है नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो 150-65 का स्तर है। कॉपर पर क्या व्यू है आपका राजीव, कॉपर में क्या करना चाहिए इनको? 435 पर बाइंग है इनकी। देखिए मैं एडवाइस करूंगा इन्हें 423-24 के आसपास अगर दाम मिले वहां पर ये एक बार अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें, और अगर बाजार वापस 426 के ऊपर सस्टेन करे तब ये दोबारा अपनी पोजीशन प्लस पोजीशन को रीइंस्टेट कर सकते हैं। अदरवाइज 422-23 पे जो बेचा हुआ माल है उसे 415 के आसपास ये कवर करें, और उस केस में 410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। अभी जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड है, बट 410 और 415 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है वहां से एक रीजनेबल बाउंस बैक हमें 430-435 तक देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, तो बिकवाली की सलाह है 422 पर 417 के टारगेट के लिए और ₹425.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर में बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। ये मानना है राजीव कपूर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं एक और कॉलर का। आनंद है हमारे साथ उज्जैन से। पूछिए आनंद। सर ये चने का भाव 4400 रुपये क्विंटल क्या 1-2 दिन में हो जाएगा? 4400 का लेवल राजीव चने में। जिस स्पीड से भाग रहा है और शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, हो सकता है आपको कल या परसों के सेशन में मिल जाए, बट मुझे भाव थोड़े सस्टेनेबल नहीं दिखते हैं। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भाव टिकाऊ नहीं है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अब तक हमने अपने दोनों जानकारों से अलग अलग कम्युनिटी पर उनकी राय जानी कि क्या उनको लगता है, लेकिन अब ये दोनों एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी है। राजीव आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? मुझे लगता है गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड अपसाइड है। मुझे 30,300-350 का स्तर आता हुआ दिखता है। ओके 30,150 पे खरीदे, 30,050 का स्टॉप लॉस। प्रथमेश आपकी रैपिड फायर कॉल? क्रूड में बेचना चाहिए 4,430 के आसपास, 4,900 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 4,720 के टारगेट रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल राजीव? कॉपर 422 पर बेचें, 425.50 का एक स्टॉप लॉस रखें, 417-415 का टारगेट रखें। ओके चलिए, शुक्रिया राजीव आपका और प्रथमेश आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।